अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है जनरेशन गैप, कि किस तरह हमारी बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, किस तरह वो अपनी ही एक दुनिया बसा रहे हैं। इसमें पहले पहली जो जनरेशन थी उनमें इतना गैप नहीं था, वो 40-40 साल कभी वो अपना जो जनरेशन थी वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक थी। फिर एक वक्त आया कि ये जनरेशन गैप मज़ीद कम हुआ और ये 20 से 25 साल के टेन्योर के अंदर आ गया, कि 20 से 25 साल बाद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चेंज हो रही थी। लेकिन अब जो जिस तरह इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो सदी है 21st सेंचुरी जो है ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, और इसमें जितनी तेज़ी के साथ अपना ये जो हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, अब अगर मैं ये कहूँ वेरी प्रिसाइजली कि अब हम 5 से 7 साल के दरमियान हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, कि इसकी मैं छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपका एक बच्चा 10 साल का है, उसका जो इन्फॉर्मेशन लेवल है वो डिफरेंट हो रहा है, जो 5 साल का है डिफरेंट है उसका, और जो अगर आज पैदा हुआ है तो उसका एक डिफरेंट होगा आने वाले उसमें टेन्योर में दिनों में। तो ये जनरेशन गैप बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि हम नॉलेज की जगह इंफॉर्मेशन को दे दी है, हमारा नॉलेज इंफॉर्मेशन में बदलता चला जा रहा है, हमारा रिलेशन कनेक्शंस में बदलता चला जा रहा है, और हमारी हैप्पीनेस जो है वो हमारी कन्वीनियंस में बदलती चली जा रही है, जो कि सबसे बड़ी थ्रेट है हमारे लिए। अब मैं मुख्तसर इस पे बात करूँगा कि क्योंकि ये 21st सेंचुरी जो है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, तो अब हम इंफॉर्मेशन को तो हमारी जनरेशन जो है वो गादर कर रही है, लेकिन वो नॉलेज से दूर होती चली जा रही है। और जिस जनरेशन के अंदर नॉलेज की फरवानी नहीं होगी, नॉलेज की कमी होगी, वो जनरेशन फिर ज़्यादा असर नहीं चल सकती। और बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए जो नॉलेज का सबसे बड़ा समुंदर है, ख़जाना है, वो अल्लाह का कलाम है, और वो है कुरान करीम। कि अगर आप इसको लाखों दफ़ा भी पढ़ें तो आपको हर दफ़ा एक नई उसके अंदर से एक इल्म के मोती मिलेगा, हर दफ़ा उस आपको आपकी समझ में, आपकी फरासत में, आपके फहम में इजाफा होता चला जाएगा। देखिए कुरान, मैं कुरान की सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल दी, और भी बोलो है, लेकिन कुरान की इसलिए दी कि अल्लाह का कलाम है। इसको अगर आप वैसे भी पढ़ेंगे तो अगर एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकियाँ मिलती हैं। अगर आप अलफ लाम मीम पढ़ते हैं तो आपको ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर 3 हरूफ हैं, उन तीनों हरूफ के ऊपर आपको 10-10 नेकियाँ अलग मिल रही हैं। और जब आप इसको इस नीयत से पढ़ेंगे कि यार मैंने अपने इससे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो ये इल्म का ऐसा ख़जाना है कि आपको आपकी पूरी, क्योंकि इंसान बजाते खुद एक अपने अंदर कायनात लिए बैठा है, और वो उसको बदलने के लिए ये कुरान का मुतालिया जो है वो काफ़ी है। इसलिए हमें अपने इस सोर्स के ऊपर आना चाहिए कि हमें अपने नॉलेज पे फोकस करना चाहिए, और हमारे नॉलेज का जो सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो कुरान है, कुरान से हमें रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिलेशंस। आज हमारे रिलेशंस जो हैं वो कनेक्शंस को हम अपना रिलेशन समझ रहे हैं। अब कनेक्शन क्या है कि जैसे अब हमारी जो अपना ये नस्ल है ये कर क्या रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, अपने फॉलोअर्स बना लेते हैं, और ये समझते हैं कि ये उनके एक रिलेटिव्स हैं, ये उनके अपना दोस्त हैं, और ये बुरे वक्त के काम हैं। लेकिन ये रिलेशंस को कभी भी ये सुपरसीड नहीं कर सकते। देखिए रिलेशन क्या है कि रिश्ते हैं आपके, आपके वालदैन के, वालदैन के साथ रिश्ता है आपका, आपका बहनों के साथ रिश्ता है, भाइयों के साथ रिश्ता है, अजीज़ व अकारिब के साथ रिश्ता है, बीवी के साथ रिश्ता है, बच्चों के साथ रिश्ता है, आप इन रिश्तों को दोस्तों के साथ एक रिश्ता है, आप इन सब रिश्तों को इस तरह कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकते। आप अपने कनेक्शंस को, आप अपने जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ आप कभी भी अपने रिलेशंस को नहीं मिला सकते। इसलिए हमने अपने बच्चों को नॉलेज की तरफ लाना है, दूसरा रिलेशंस की पहचान करवानी है। आज हमारे बच्चे रिलेशंस, इन रिश्तों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और अब अगर मुझे एक जुमला साथ जुमला भी कहने की इजाज़त दें कि हमें और रिश्तों के तकद्दस का भी
अब जो हमारी औलाद है, हमारी जो जनरेशन है, वो रिश्तों के तकद्दुस से भी बहुत दूर होते चली जा रही है। तीसरी बात जो है वो है कन्वीनियंस। हमने हैप्पीनेस को कन्वीनियंस को हैप्पीनेस समझ लिया है। अब कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस हमें यह है कि कोई सहूलत हमें मिल जाए, सहूलतें मिलें, और हैप्पीनेस एक खुशी है। कन्वीनियंस साइंस ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा सहूलतें दे दी हैं, हमारी ज़िंदगी को इंतहाई आरामदेह बना दिया है। अब हम अपने मोबाइल्स को देख लें, आप अपना कायनात को देखें, किसा मुसाखर करने के लिए पहले हबल टेलीस्कोप थी, अब उन्होंने जेम्स वेब बना दिया है, और कायनात को मुसाखर करने के लिए निकल पड़े हैं। अपना दुनिया में कहाँ को नई नई रोज़ नई नई इजादात हो रही हैं, ये सारी इंसान की सहूलत की ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, लेकिन इससे खुशी का कोई वो नहीं है। ये आपको आराम तो दे सकती हैं, कंफर्ट जोन तो दे सकती हैं, लेकिन खुशी नहीं दे सकती। खुशी आपको जो है वो अंदर से मिलती है, खुशी आपको अंदर से मिलती है, जो कि आप अपने अपने कुरान की तलावा से आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये अगर ये मैं ये कहूँ कि इंसान को खुशी सहूलतों से नहीं, रिश्तों से मिलती है, और ये नस्ल इन चीज़ों से जो है ना वो आप ये समझ लें कि आ रही है, बहुत दूर है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि किस तरह हमने अपनी इस नस्ल को दुरुस्त सिमत की तरफ डालना है, और किस तरह हमने इनको इनमें आगाही पैदा करनी है, कि हम उनको बताएं कि नॉलेज की अहमियत क्या है, उनको बताएं कि रिलेशंस की अहमियत क्या है, उनको बताएं कि हमारी खुशी कैसे किस चीज़ में है, और इसके साथ